हेलो एवरीवन, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं एग्जाम टिक। रेलवे एएलपी डिवीजन मेडिकल आरआरबी इलाहाबाद से एएलपी एंड टेक्नीशियन का डिवी शेड्यूल जारी किया गया है। डिवी का फिफ्थ शेड्यूल जो है इलाहाबाद से जारी किया गया है। 2640 कैंडिडेट को जो है डिवी के लिए बुलाया गया है। ब्लॉक डेट कब, पैनल पार्ट वन कब आएगा, सभी छात्र जल्दी देखें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा न समय लेते हुए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, साथ में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मैंने जो है आरआरबी इलाहाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। नोटिस फॉर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जिनस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल टेस्ट फॉर्म 2/9/2019 टू 14/9/2019 अंडर सीएन नंबर 01/2018। इस क्लिक करने के बाद आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ओपन हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जिनस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल टेस्ट फॉर्म 2/9/2019 टू 14/9/2019, यानी कि 2/9/2019 से 14/9/2019 का जो है डिवी का शेड्यूल वो जारी कर दिया गया है एएलपी एंड टेक्नीशियन का। यहाँ पे डेट एंड टाइम देख सकते हैं। 2/9/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जिनका रोल नंबर है वो अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि उनका किस डेट में जो है शेड्यूल जारी किया गया है। एक शिफ्ट में आपको जो है 120 कैंडिडेट को यहाँ बुलाया गया है डीवी के लिए। इलाहाबाद जो है सबसे ज़्यादा तेज अभी जो है डीवी और मेडिकल ले रही है। एक शिफ्ट में 120 और एक दिन में दो शिफ्ट, यानी कि एक दिन में आपको 240 कैंडिडेट का जो है डीवी और मेडिकल करा रही है। सबसे तेज हो रहा है डीवी और मेडिकल इस जोन से। टोटल जो है 2640 कैंडिडेट को यहाँ से बुलाया गया है। सेकेंड शिफ्ट जो है आपको 1 बजे से है। साथ में आपको कुछ जो है इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि प्लीज़ ब्रिंग द इक्वल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। आपको जो है इक्वल लेटर आपको ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी जो है लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है, और उसमें जो लिस्ट है सेकेंड पेज में आपको जो है इक्वल लेटर पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट है वो आपको लेके जाने हैं। जो एड्रेस है इलाहाबाद आरआरबी का ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है सेकंड में कि अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट वो हिंदी या इंग्लिश में नहीं है तो आप जो है खुद से उसे सेल्फ अटेस्ट करके कन्वर्ट करके हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा और आपका जो है कैंडिडेचर वो रद्द कर दिया जा सकता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट में थर्ड में आपको 6 पासपोर्ट साइज जो है फुल कलर फोटोग्राफ वो लेके जाने हैं, 1 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। और साथ में आपको डीबी के लिए जो है आपको इसमें बोला जा रहा है कि कॉल लेटर का CBT 1 कॉल लेटर, CBT 2 का और साइको टेस्ट का जो है आपको काउंटर फाइल जो है वो भी आपको प्रोड्यूस करना है। मेडिकल के लिए आपको 24 रुपीज़ जो है फ़ी लगेगा एक्स्ट्रा। आपको जो है कैश या कैरी जो है एक्स्ट्रा सामान नहीं करना है मेडिकल में। ओनली जो है आपको एडमिट कार्ड 24 रुपीज़ आपको फ़ी और आपका आईडी रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा कैरी नहीं करना है। नोटिस नंबर 31/2019, डेट 20/8/2019, चेयरमैन आरआरबी इलाहाबाद। दोस्तों अब हम बात करें ब्लॉक डेट की, तो ऑफिशियल अभी तक जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया ब्लॉक डेट के रिगार्डिंग। बात करें दोस्तों पैनल पार्ट वन की, तो पैनल पार्ट वन जो है आपको इस वीक में आ सकता है, में आने की संभावना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करें। रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए एग्जाम ट्री के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।